इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी में मैं बन चुका हूँ एक बहुत ही खतरनाक टाइटन, और अब ये पूरी सिटी मुझसे डरी हुई है। मैं इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स भी मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं। और आज इस पूरी सिटी में मैं बिग जायंट टाइटन बन के खेलने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हमारे शहर के पुलिस स्टेशन के अंदर मिला है एक मैजिकल फोन, और वो मैजिकल फोन जिसे मिल गया वो जो चाहे वो बन सकता है, कुछ भी। लेकिन फिलहाल इसे हाई सिक्योरिटी के साथ पुलिस स्टेशन में रखा गया है। क्या पुलिस स्टेशन में एक मैजिकल फोन है? यार अगर ये मैजिकल फोन मुझे मिल गया फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे पास मैजिकल फोन आ गया तब तो मेरी लाइफ बिल्कुल मस्त हो जाएगी, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट यार न्यूज वालों ने तो बताया है कि उसे हाई सिक्योरिटी के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है, तो एक बार चल के देखता हूँ भाई कहाँ है वो। बट यार मुझे तो बहुत ही ध्यान से पुलिस स्टेशन के अंदर जाना होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही हाई सिक्योरिटी है। पुलिस स्टेशन बगल में ही है तो मेरे घर पे भी तुरंत आ सकती है, इसीलिए मुझे बहुत ही छुपके अंदर जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन के पीछे अपनी कार को पार्क करता हूँ और उसके पीछे से भाई अंदर जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं पीछे से जाऊंगा तो मैं आराम से पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाऊंगा और पुलिस ऑफिसर मेरा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हाई सिक्योरिटी, अगर मैं गलती से भी पकड़ा गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार इतनी बड़ी दीवार है, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। यार जिसका डर था वही हुआ, मैं यहाँ से गिर गया था और मेरे मुंह से काफी ज्यादा खून निकल गया। अगर उन्होंने ये खून देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। बट फिलहाल मैं इस खून को मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं इस वाले खून को मिटाऊं। बट अभी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, चल के देखता हूं कि कितनी सिक्योरिटी एंड कहां पे हमारा फोन रखा हुआ है। हां अब वो मेरा हो चुका है, क्योंकि मैं उसे कैसे भी करके चुराने वाला हूं, बाकी ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं। यार मैं चाहूं ना तो इन सारे पुलिस वालों को मार के अभी यहां से फोन चोरी करके ले आ सकता हूं, बट फिलहाल दिन का टाइम है तो मैं रिस्क कोई भी नहीं लूंगा। और उतने ज्यादा ऑफिसर्स भी नहीं है, सिर्फ 3 ऑफिसर और आगे 2 कांस्टेबल है, मैं तो इनको इजीली मार सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं इनको अभी नहीं मारूंगा, मैं काम करता हूँ मैं रात को आऊंगा और इन सबको मार के मैजिकल फोन चुरा करके ले जाऊंगा। बट यार कहीं ऐसा ना हो कि रात को और भी ज्यादा सिक्योरिटी हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर सिक्योरिटी नहीं हुई तो मैं इजीली इस फोन को चुरा करके ले जा सकता हूँ। बट फिलहाल दिन का टाइम है तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, लोग मुझे देख लेंगे और मेरा चेहरा भी रिवील हो जाएगा, फिर मेरा जीना हराम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं दिन के टाइम पे कुछ भी नहीं करूंगा, अभी चलता हूँ घर पे और रात के टाइम पे वापस आऊंगा पुलिस स्टेशन पे। तो इसीलिए अभी चोरी वोरी नहीं करेंगे, अभी चलते हैं घर पे, घर पे चल के रात होने का वेट करते हैं, उसके बाद जैसे ही रात होगी तुरंत चलेंगे पुलिस ऑफिसर्स के पास एंड उन सबको मार के उस मैजिकल फोन को अपने घर पे लेकर के आऊंगा और फिर मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बट अभी मैं चल के सो जाता हूं, क्योंकि रात होने में काफी टाइम है और सोने में तो टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है, इसलिए सबसे पहले चल के सो जाता हूं और रात होने का वेट करता हूं। चलो यार फाइनली यहां पे रात हो चुकी है और वो टाइम आ चुका है जब मुझे उस फोन को चुरा करके अपने घर पे लेकर के आना है। और यार उम्मीद करता हूं कि कोई भी गड़बड़ी मुझसे ना हो, बिकॉज अगर मैंने यहां पे एक भी मिस्टेक कर दी तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि इस सिटी के पुलिस ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर उन्होंने गलती से भी मुझे पकड़ लिया तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देंगे, ऊपर से मुझे लाइफ टाइम पूरी जिंदगी जेल भी हो जाएगी। इसीलिए मुझे ध्यान से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से कवर करना है एंड मुझे स्टेशन के अंदर कोई भी क्लू वगैरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी अपना क्लू वगैरह छोड़ दिया और लोग मुझे पहचान गए तो मैंने तुम्हें बताया मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। चलो यार मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन मेरी कार को क्या हो रहा है भाई, पुलिस ऑफिसर तो नहीं आ गए यहाँ पे? यार कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने मुझे अंदर आते हुए देख लिया? यार ये चीजें छोड़ो, अगर अंदर आ गया हूँ तो बिना फोन को लिए तो मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, और सिक्योरिटी तो मुझे वैसी ही लग रही है। यार मैंने सोचा था कि रात को सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बट रात को भी सिक्योरिटी उतनी ही है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब मैं सबसे पहले इन 2 कांस्टेबल्स को निपटाने वाला हूँ, उसके बाद पीछे बैठे 3 पुलिस ऑफिसर्स को भी निपटा दूंगा। तो मैं अपनी गन को निकालता हूँ और सबसे पहले इन 2 कांस्टेबल्स को मारता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे गन भी लेकर के आऊँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैं गन से इन सबको मार के इजीली यहाँ से निकल पाऊँ, और अगर मुझे कोई देख भी लिया तो मैं उसे भी मार दूंगा। सबसे पहले इन कांस्टेबल्स को मारता हूँ, तो सबसे पहले इस फ्रंट वाले को मारूंगा एंड भाई ये सब भाग रहे हैं, चलो किसी ने गन नहीं चलाई अभी तक, नहीं तो शोर हो जाएगा। तो ये सब भाई ऑफिसर्स बाहर आ गए, चलो ऑफिसर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके पास कोई गन नहीं है और यार इसने फायर कर दिया, यार कहीं और कोई लोग ना आ जाए, अगर यहाँ पे और भी लोग आ गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मेरे पास गन है तो मैं उनको भी निपटा दूंगा। बट यार इसके अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, काम करता हूँ इन सबको भी निपटा देता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैंने इनको छोड़ दिया और ये कल को जाकर के मुझे फंसा दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतनी गन चल रही है फिर भी इसके अंदर इतने आराम से बैठे कैसे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। यार इन सबको छोड़ो, अभी अपने काम पे फोकस करते हैं, तो हमें फोन चुराना है और फोन है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो सबसे पहले चलता हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर पे एंड देखता हूँ कि कहाँ पे है वो इस मैजिकल फोन। यहाँ तो मुझे कहीं भी मैजिकल फोन दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कोने में है क्या? ओ अच्छा हाँ यहाँ पे हमारा मैजिकल फोन है। तो चलो यार फाइनली मुझे मेरा मैजिकल फोन मिल चुका है, अब चलते हैं जल्दी से घर पे। लेकिन एक सेकंड भाई, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं यार। भाई जिस चीज का डर था बिल्कुल वही हो गया, यहाँ पे तो इतने सारे ऑफिसर्स आ गए भाई, अब मेरा क्या होगा? यार मैंने तो सोचा था कि इन लोगों को साइलेंटली मार के यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा मैजिकल फोन को लेकर के, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे ऑफिसर्स आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं पीछे से धीरे से
निकलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वो मुझे ना देखे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं बाहर तो आ चुका हूँ और पुलिस ऑफिसर की कार भी है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं दिख रहा मुझे। खैर छोड़ो, इसमें तो मेरा ही फायदा है। मैं चुपचाप से अपनी कार को लेकर के यहाँ से अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ, क्योंकि अगर और भी ऑफिसर आ गया तो भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास मैजिकल फोन है। तो मैं कैसे भी करके भागते भागते आ तो गया, लेकिन मेरे साथ साथ इन ऑफिसर्स ने मेरा घर भी देख लिया और एक ऑफिसर तो मेरे घर के अंदर भी आ चुका है। तुम देख सकते हो भाई सामने है। तो मैं काम करता हूँ, लॉन्चर से इसे मार देता हूँ। मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें नहीं मारा और ये यहाँ से जिंदा चले गए फिर ये मेरा जीना हराम कर देंगे। तो अभी यहाँ पे इसीलिए सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स है, तो मैं इन सबको मार देता हूँ और चुपचाप से चलता हूँ घर के अंदर, बिकॉज अभी मेरा छुपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मेरे पीछे अभी सिर्फ इतने ही ऑफिसर्स थे, वैसे तो और नहीं दिख रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं और चुपचाप चल के सो जाते हैं। अभी तक तो मेरे पीछे सिर्फ दो ऑफिसर्स आ रहे थे और उन्हें मैंने मार दिया। मेरे ख्याल से अब कोई ऑफिसर अंदर नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चल के सो जाता हूँ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है और ऑफिसर्स भी नहीं है। बस मैंने इस कार को ब्लास्ट किया, उसकी आग जल्दी से बुझ जाए, नहीं तो किसी और को पता चल जाएगा। अगर भी ऑफिसर होते तो अंदर आ गए होते। खैर वो सब छोड़ो, अभी चल के सो जाता हूँ चुपचाप। चलो फाइनली सुबह हो चुकी है और अब चलता हूँ बाहर। और ये क्या यार, मेरी कार तो बिल्कुल सेफ यहाँ पे खड़ी हुई है और ये ऑफिसर की कार यहाँ पे जल रही थी, वो सब कहाँ गई यार? ये सब तो गायब हो गया बिल्कुल। यार ये सब मैजिकल फोन का कमाल है, या फिर ऑफिसर आए और डर के मारे ये सब करके चले गए। खैर वो सब छोड़ो, मुझे क्या, मेरा तो सब कुछ सही हो गया। वैसे खुशी की बात तो ये कि ये मैजिकल फोन फाइनली मुझे मिल चुका है, और सबसे बेस्ट चीज की ये फोन बहुत ही ज्यादा मस्त है भाई, और चलता भी बिल्कुल मस्त है, और इसमें तो फोन वगैरह भी लगता है। वैसे एक नोटिफिकेशन आया, देखता हूँ ये क्या लिखा है। किल ऑल ईगल मॉन्स्टर। यार मैं ईगल मॉन्स्टर्स को क्यों मारू, वो तो किसी और का काम है, तो जिसका काम है उसे करने दो भाई, मैं क्यों मारू जाके ईगल मॉन्स्टर्स को। बट यार कहीं ये मैजिकल फोन का टास्क तो नहीं मुझे कोई मैजिक देने के लिए, क्या पता ये कोई टास्क हो। तो अगर मेरा मैजिकल फोन मुझसे बोल रहा है कि मुझे ईगल मॉन्स्टर्स को मारना है, तो चल के एक बार मार के देख ही लेता हूँ कि क्या होता है। वैसे भी उसे कोई भी मार सकता है, उसमें कोई इलीगल चीज नहीं है, और मुझे तो उसकी लोकेशन भी पता है। वो सारे ईगल मॉन्स्टर्स हमेशा मिलते हैं हमें बीच के पास, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ बीच के पास, क्योंकि वहीं पे मुझे सारे ईगल मॉन्स्टर्स मिलेंगे। और उन सभी ईगल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए मैंने गन भी कैरी कर लिया है, ताकि मैं उनको गन से मार सकूं। तो चलो अब यहाँ पे आता हूँ और गन निकाल लेता हूँ। तो भाई मैं बिल्कुल करेक्ट था, सारे के सारे ईगल मॉन्स्टर्स यहीं पे हैं। एंड यार ये बेचारों को मारने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे मारना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा टास्क है, तो मुझे मारना ही पड़ेगा। ये तो भाई गन से मर नहीं रहा, इसको लॉन्चर से मारना पड़ेगा। लॉन्चर में कितनी ज्यादा पावर है, मतलब एक गोली मारो और एक गोली मारते ही मर जाता है। खैर वहां पे मुझे एक स्नेक मॉन्स्टर भी दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, इस वाले स्नेक मॉन्स्टर को भी मार देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है तो मार देता हूँ, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि सिर्फ इसे क्यों छोड़ दिया, बाकी को मार दिया। यहाँ पे मैंने एक ईगल मॉन्स्टर को मार दिया है, बट मैं यहाँ पे सभी को मारने वाला हूँ, बिकॉज क्या पता एक को मारने से कुछ भी ना हो। मैं यहाँ पे इन सभी के सभी ईगल मॉन्स्टर्स को मार देता हूँ। ये सारे तो मर गए, अभी दो बचे हैं, नहीं सॉरी तीन चार बचे हैं, एक और आ रहा है मेरे पास, इसको भी मैंने मार दिया। वहां पे सामने दो और बचे हैं ईगल मॉन्स्टर्स। यार वो सब तो काफी दूर चले गए हैं, बट कोई बात नहीं, मेरे पास भी लॉन्चर है, मैं उन्हें इजिली मार दूंगा। तो अब सिर्फ एक बचा है, तो उसको भी मारते हैं। यहाँ से भाई निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ से मैं निशाना लगाता हूँ और भाई मर गया वो भी। चलो फाइनली मैंने सारे के सारे ईगल मॉन्स्टर्स को मार दिया। एंड ये क्या लिखा रहा है, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। चलो भाई यार फाइनली मेरा यहाँ पे फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो गया, एंड पता नहीं अभी मुझे और कितने और टास्क करने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, टास्क मिलते जाए मैं करता जाऊंगा। वैसे भी मुझे मैजिक पावर मिलने वाली है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ एक मैजिक पावर के लिए। खैर अब सेकंड टास्क को देखता हूँ कि मेरा सेकंड टास्क क्या है। ये क्या, कलेक्ट टाइटन कॉस्ट्यूम। भाई यार ये इतना अजीबो गरीब टास्क क्यों दे रहा है, मतलब यार टाइटन के कॉस्ट्यूम को मैं क्यों कलेक्ट करूं, मुझे क्या मिलेगा टाइटन के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट कलेक्ट करके। बट यहाँ फोन के अंदर टास्क दिया हुआ है, तो मुझे कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये मुझसे टाइटन का कॉस्ट्यूम कलेक्ट करवा क्यों रहा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन सारी चीजों को कलेक्ट करके टाइटन बनने वाला हूँ। भाई अगर मैं टाइटन बन गया तब तो मुझे मजा आ जाएगा, तब मेरी सिटी में सारे के सारे लोग मेरी इज्जत करेंगे, सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर मैं टाइटन बन गया तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, पूरा शहर मुझसे डरेगा। बट वैसे मुझे शहर को डराना नहीं है, लेकिन जो भी लोग मुझसे नहीं डरते हैं उनको जरूर डराना है। बट अभी मुझे खुद क्लियर नहीं पता है कि मैं टाइटन बनने वाला हूँ या फिर कुछ और बनने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये फोन सारी चीजें कलेक्ट करवाने के बाद एक टॉय बनाने को कह दे। तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे इस फोन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस ये जो कह रहा है मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। चलो कोई ना, फाइनली मैं इस रैम पे चढ़ते चढ़ते आ चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे और पहुंच चुका हूँ इस रैम के ऊपर। वैसे तो काफी रिस्की था इसके ऊपर आना, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर आया हूँ, बिकॉज मुझे भाई टाइटन बनना है। अगर मुझे टाइटन बना रहा है तो मुझे टाइटन बनना है। खैर यहाँ से कॉस्ट्यूम को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा टाइटन का कॉस्ट्यूम, और यार ये काफी ज्यादा डरावना है, बट कोई ना, असल कलेक्ट करना है हमें, तो यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। चलो यार फाइनली मैंने यहाँ से अपने सेकंड टास्क को भी कंप्लीट कर दिया और यहाँ से टाइटन के कॉस्ट्यूम को भी कलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले तो यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे भाई मेरा थर्ड टास्क तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे कैसे भी करके सेफली नीचे लैंड करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी बाइक को भाई मस्त उड़ाते हुए नीचे लेकर के जाने वाला हूँ, बिकॉज मेरी ये वाली बाइक बहुत ही ज्यादा पावर सफिशियंट वाली बाइक है, तो बहुत ही तगड़ी है। मुझे यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मैं इसे बहुत ही ऊंचाई से भी कूदा दूं ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अब ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो सेफली नीचे लैंड कर चुका हूँ। तो अब चुपचाप से चलता हूँ अपने घर के पास, बिकॉज अब घर के पास जाने के बाद मैं देखूंगा कि मेरा तीसरा टास्क क्या है, मुझे तीसरी बार में क्या ढूंढना है या फिर क्या करना है। यार अब ये क्या टास्क है, मतलब कुछ भी, मैं क्या इसे बस ड्राइवर लगता हूँ, मतलब अब मैं जाकर कंस्ट्रक्शन एरिया से लेकर के रेलवे स्टेशन तक बस चलाऊं। मतलब यार इतना अमीर बंदा मेरे पास
ZX10R बाइक है, उसके साथ ही मेरे पास इतनी महंगी महंगी बस वगैरह, मेरे पास प्राइवेट बसेस मेरे अंदर में चलती हैं, और इतना बड़ा घर भी है मेरे पास, और अब मैं जाकर के खुद बस को ड्राइव करूं, मतलब कुछ भी टास्क करवा दो यार। और यार सबसे बेकार बात पता है क्या है, वो ये है कि मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे इस बस को ड्राइव करना ही पड़ेगा, बिकॉज यार ये मैजिकल फोन है, और अगर ये मुझसे काम करवा रहा है तो कोई फालतू काम तो करवाएगा नहीं, ये पक्का मुझसे कुछ बड़ा टास्क करवा रहा होगा ताकि मैं कुछ बड़ी चीज अचीव करूं। तो इसीलिए यार मैं कुछ बनने के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, बस ड्राइव वगैरह तो मैं इजीली कर ही सकता हूं, क्या करूं। अभी मेरा टास्क ये है कि बहुत सारे पैसेंजर्स इस बस के अंदर बैठे हुए हैं, एंड ये जल्दी से जल्दी मुझे रेलवे स्टेशन पे ले जाकर के छोड़ना है, बिकॉज थोड़ी ही देर में इनकी ट्रेन निकल जाएगी रेलवे स्टेशन से, इसीलिए उनकी ट्रेन को निकलने से पहले मुझे ले जाकर के इन्हें वहां पे छोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं इस टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकता हूं, बिकॉज रेलवे स्टेशन यहां से ज्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी ही मैं इनको छोड़ दूंगा। और यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तक इसके टास्क इतने ज्यादा अजीबोगरीब है, तो भाई आगे चल के ये मुझे कैसे टास्क देने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि अब अगला टास्क ये फोन मुझसे मेरा कमोड साफ करवाए। वैसे यार मजे की बात यह है ना कि अगर अभी मुझसे मेरा कमोड भी साफ करवाएगा ना, तो मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि यार मैंने बताया ना ये मैजिकल फोन है, कुछ मैजिक देने वाला है मुझे। खैर वो सारी चीजें छोड़ो, अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं बस को चलाने में, और जल्दी से इसे रेलवे स्टेशन पर लेकर के जाना भी है। चलो यार खुशी की बात तो यह है कि मैंने इस वाले टास्क को भी काफी इजी वे में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अभी इस ट्रेन के निकलने में 10 मिनट बाकी, और 10 मिनट पहले ही मैं इन लोगों को इनके घर पे नहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ चुका हूं। तो चलो चलो सब निकलो, आ गया रेलवे स्टेशन, अब चलो सब निकलो यहां से, अब मुझे अपना अगला टास्क कंप्लीट करना है, तो यार निकल जाओ, तुम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो। तो चलो भाई अब देखते हैं हमारा फोर्थ टास्क क्या है। तो फोर्थ टास्क है किल ऑल पुलिस ऑफिसर्स। मैं सही बता रहा हूं, ये फोन मुझे मरवाएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, कल ही यार मैंने इन सारे ऑफिसर्स को मार के इस फोन को वहां से लेकर के आया है, और अब ये मुझसे बोल रहा है कि मैं वापस पुलिस स्टेशन पे जाऊं और जो नए ऑफिसर और कांस्टेबल्स आए हैं उनको मार के फिर मैं अपना टास्क पूरा कंप्लीट करूं। मतलब क्या दिमाग खराब है इस फोन का? यार इस फोन का दिमाग खराब हो या फिर इसका प्रोसेसर खराब हो उससे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन टास्क दिया है तो मैं कंप्लीट करूंगा, बिकॉज मेरा दो टास्क और रह गया है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैंने जितना भी टाइम और मेहनत लगाई है वो सारी मेहनत इन दो टास्क के चक्कर में वेस्ट हो जाए। इसीलिए मैं इस वाले टास्क को भी कंप्लीट करूंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क मिलेगा, इसके बाद पांचवा टास्क मिलेगा, उसे भी कंप्लीट करूंगा। जितने भी टास्क मिलेंगे मैं सारे टास्क को कंप्लीट करूंगा अभी, बिकॉज यार मैंने फिर से बता रहा हूं ये मैजिकल फोन है, तो यार कुछ ना कुछ तो तगड़ा करवाएगा ही मुझसे। तो इसीलिए मैं इस शहर के ऑफिसर्स को दोबारा मारने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूं, और मैं वापस जा चुका हूं स्टेशन के पास, बस थोड़ी दूर और बचा है स्टेशन। और यार सबसे बकवास बात यह है ना कि ये वाला स्टेशन मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। खैर उन सारी चीजों को छोड़ो, फाइनली मैं आ चुका हूं रेलवे स्टेशन के पास, और अब चलते हैं इसके अंदर, और अब मैं मारने वाला हूं इन सारे। भाई ये कांस्टेबल वापस आ गए, मतलब यहां पे दूसरे कांस्टेबल आ चुके हैं, और वापस से वो सारे ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इन कांस्टेबल को मारूंगा। चलो गन निकाल लेता हूं, और भाई ये तो मुझे ही देख रहा है यार, एक काम करता हूं फोन ओपन कर लेता हूं। चलो अब यहां से गन निकालूंगा और चोरी से इन सबके सबको मार दूंगा। चलो पहले उसे उधर देखने दो। चलो अब मैं इसको मारता हूं। भाई ये फिर इधर देख रहा है यार थोड़ी देर तक उधर भी देख लो, मैं तुम लोग को मार के अपना टास्क तो पूरा कर लूं। खैर छोड़ो अब मैं इसे मारता हूं, देखे चाहे कुछ भी करे। तो इसकी खोपड़ी पे निशाना लगाते हैं और इसको मारते हैं। भाई वो तो फायर करने लगा और ये पता नहीं कहां अंदर जा रहा है, और ये सारे ऑफिसर्स भी बाहर आ चुके हैं, और इन सबको मैं मारूंगा भाई लाइन से। तुम सब जाओगे बेटा, मतलब ये सारे ऑफिसर्स मुझे मारने का ख्वाब देख रहे हैं, मतलब ये क्या कुछ भी मुझे मार सकते हैं ये। खैर इस बार मैं अंदर के लोगों को नहीं मारूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, और यार टास्क में सिंपल लिखा था कि मुझे सिर्फ ऑफिसर को ही मारना है, तो इसीलिए मैंने इस बार यहाँ पे बैठे लोगों को नहीं मारा है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन भाई मेरे पीछे 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है यार, अब तो ये टास्क करना और भी ज्यादा हार्ड हो गया है, बिकॉज मेरे पीछे 3 स्टार की पुलिस भी पड़ी है, इसके साथ ही मुझे अब अगले टास्क को कंप्लीट भी करना है, और अब पता नहीं कि ये फोन मुझे अगला टास्क किस टाइप का देने वाला है। खैर कोई ना, अभी मैं काम करता हूँ इन सारे ऑफिसर से कैसे भी करके मुझे पीछे छोड़ाना है, बट यार मुझे नहीं लगता है कि ये सारे ऑफिसर इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेंगे, बिकॉज पिछली बार भी मैंने इनके ऑफिसर्स को मारा था, एंड दोबारा से मैंने इनके ऑफिसर को मारा है, तो इतनी आसानी से तो ये सारे ऑफिसर मुझे नहीं छोड़ेंगे। बट कोई ना, अभी वो थोड़े दूर पे हैं, तो मैं अपने घर के अंदर चलता हूँ एंड पीछे साइड चल के देख लेता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है। जल्दी से बाइक को पार्क करता हूँ और देखता हूँ अगला टास्क क्या है। तो अगला टास्क है हमारा ब्लास्ट एयरपोर्ट प्लेन। यार ये फोन आज मेरे से बार बार ऐसा काम क्यों करवा रहा है जिसके चलते मेरे पीछे पुलिस ऑफिसर्स लगे, पूरी मतलब चीफ मिनिस्टर लग जाए मेरे पीछे। मतलब इस मैजिकल फोन को पाने के लिए सारे ऑफिसर्स को मारो, उसके बाद इस मैजिकल फोन का टास्क है कि फिर से ऑफिसर्स को मारो। यार ये अपना बदला पूरा करवा रहा है या फिर मुझे कोई टास्क दे रहा है? फिर अभी ये मुझसे कुछ भी करवा रहा होगा, मैं तो सही सारा काम इसका करने वाला हूँ, ये मुझसे जो कहेगा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। और यार ये सारे ऑफिसर्स कहाँ चले गए, मतलब मेरे पीछे अब तो कोई पुलिस वगैरह लगी ही नहीं है। चलो अच्छी बात है कोई पुलिस नहीं लगी, चुपचाप से चलता हूँ अंदर और चल के चुपचाप से भाई मैं प्लेन को ब्लास्ट कर देता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, मेरे आगे ही जस्ट पुलिस है, मुझे जल्दी चलना पड़ेगा अंदर। यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो मेरे पीछे कोई ऑफिसर ही नहीं है, लेकिन मेरे पीछे तो ये वाला ऑफिसर पड़ा हुआ है, मतलब इतनी वैसे भी 3 स्टार की पुलिस है तो भाई पीछे तो पड़ी रहेगी। और वैसे ही मैंने कोई छोटा मोटा कांड थोड़ी किया है भाई, सारे ऑफिसर्स को 2-2 बार मार चुका हूँ और फिर वापस से यहाँ प्लेन ब्लास्ट करने वाला हूँ। और ये एयरपोर्ट की सबसे महंगी प्लेन है, वो भी फॉरेन से ट्रांसपोर्ट की गई है यहाँ पे, और हमारी सिटी के पास फिलहाल सिर्फ यही प्लेन है। और सबसे बेकार बात यह है कि अब मुझे इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, तो चलो मैंने यहाँ पे बॉम्ब तो लगा दिया, अब इसे ब्लास्ट भी कर देता हूँ। चलो यहाँ से एक्टिवेट का बटन दबाते हैं और प्लेन को ब्लास्ट करते हैं। चलो यार फाइनली मेरी प्लेन ब्लास्ट हो चुकी है, एंड इसके साथ ही भाई पीछे खड़ी कार भी ब्लास्ट हो गई। चलो फाइनली मैंने अपने सारे के सारे
सारे टास्क को कंप्लीट कर दिया और अब पता नहीं मुझे क्या करना है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, पीछे साइड से निकलता हूँ, बिकॉज अगर मेरे पीछे आ गए ऑफिसर्स तो दिक्कत हो जाएगी। खैर मेरी बॉडी के अंदर ये क्या हो रहा है भाई, मेरी बॉडी में अजीब सी चीजें हो रही है, बहुत ही अजीब हो रहा है मुझे, मतलब मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द, और ये क्या हो रहा है मुझे यार, मेरी एक एक हड्डी टूट रही है, बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, और ये क्या, मैं तो बन चुका हूँ एक बहुत ही बड़ा जायंट टाइटन। इसका मतलब ये सारे टास्क मैं कर रहा था ताकि मैं टाइटन बन सकूं। अगर गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, पार्ट 2 चाहिए तो भाई कमेंट जरूर से करना, अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो 1000 लाइक करवा देना।